एक समय था जब हर लड़का तेरे नाम के सलमान खान की तरह हेयर कट करवा रहा था, पर अब वही हेयर कट एक मजाक बनकर रह गई है। दोस्तों, कुछ इसी तरह हमेशा से फैशन की दुनिया बदलती रही है। पतली कमर होना आज भी एक तरह से फैशन ट्रेंड है, जिसके लिए कुछ लोग अब भी अपने पेट पर कॉर्सेट बांधते हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी के लोग पतली कमर के इस पागलपन को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। उस समय कुछ यूरोपियन देशों में महिलाओं की कमर पर कॉर्सेट इतना ज्यादा टाइट बांधा जाता था कि उनकी बॉडी किसी गुड़िया की तरह दिखने लगती थी। इस अननेचुरल ट्रेंड की वजह से लड़कियों के इंटरनल ऑर्गन्स पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। वो कई तरह की बीमारियों की शिकार हो सकती थी और कई मामलों में तो कसकर बांधे गए कॉर्सेट से उनकी अंतड़ियां तक टूट जाती। ऐसा नहीं है कि इतिहास में लोग कॉर्सेट से जुड़ी इन बीमारियों से अनजान थे, पर सब कुछ जानते हुए भी वो अपनी लड़कियों के पेट पर महज 12 साल की उम्र में ही कॉर्सेट बांधना शुरू कर देते थे। कॉर्सेट का ये फैशन इतना ज्यादा खतरनाक था कि साल 1860 के दौरान पेरिस के एक अखबार में खबर आई कि इसे बांधने से एक लड़की की अंतड़ियां टूटकर हड्डी लिवर में जा घुसी और उसकी मौत हो गई। बता दें, अब भी कुछ महिलाएं खास मौकों पर कॉर्सेट बांधती है, हालांकि ये उतना ज्यादा टाइट नहीं होता जितना कि पहले हुआ करता था। एक तरफ आज जहां सफेद दांतों को खूबसूरती की परिभाषा माना जाता है, वहीं जापान के इतिहास में इसके बिल्कुल उल्टा हुआ करता था। जापान में ओहा गुरु ट्रेडिशन को फॉलो करने वाली महिलाओं में काले दांतों का फैशन था और सदियों पहले इस अनोखे फैशन को सिर्फ अमीर महिलाएं ही अपना सकती थी, मतलब कि ये भी अमीरी की निशानी थी। दरअसल उनकी एक महान रानी के दांत काले थे क्योंकि वो शुगर ज्यादा खाया करती थी और उस जमाने में शुगर काफी महंगा हुआ करता था। ऐसे में जनता के बीच ये प्रचलन चल पड़ा कि बस अमीर महिलाओं के दांत ही काले हो सकते हैं। आप चाहें तो इसे अंधे होकर फैशन को फॉलो करने का परफेक्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं। सेंट्रल अमेरिका में पहली बार जब लंबे आकार की इंसानी खोपड़ी पाई गई तो हर कोई इसे एलियन से जोड़कर देखने लगा, क्योंकि फिल्मी पर्दे पर दिखाए जाने वाले एलियन से इनकी बनावट काफी हद तक मिलती है। हालांकि शोधकर्ताओं के अनुसार एलियन से इनका दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। कहते हैं इतिहास में माया और इनका जैसी इंसानी सभ्यताओं के लोग छोटी उम्र में ही अपने बच्चों के सिर को एक कपड़े से कसकर बांध देते थे ताकि सिर का साइज लंबा होने लगे। इस लंबे सिर को आप उनका फैशन ट्रेंड भी कह सकते हैं और स्टेटस सिंबल भी, क्योंकि इस प्रकार की लंबी खोपड़ी वाले शख्स को उनके कबीले में एक खास व्यक्ति समझा जाता था। पर साथ ही ये भी सच है कि वैज्ञानिकों के पास इन तमाम धारणाओं के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, यानी कि वो लोग अपनी खोपड़ी कैसे और क्यों लंबी करते थे, आज भी ये एक प्रकार से पहेली बनी हुई है। टाइट जींस पहनकर आपको थोड़ी तकलीफ तो होती होगी, लेकिन फिर भी फैशन है तो करना पड़ता है। पर अगर आपको जानना है कि फैशन के नाम पर इंसान किस हद तक तकलीफ में रह सकता है, तो इसका जवाब आपको चीन की उन महिलाओं से मिलेगा जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने पैरों को कपड़ों से बांध कर रखा। जी हाँ, ये भी एक फैशन ही था कि महिलाओं के पांव का साइज 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20वीं सदी तक चाइना के रईस घरों में पैदा होने वाली लड़कियों के पांव बचपन में ही कपड़े की पट्टियों से जकड़कर बांध दिए जाते थे। इस दर्दनाक प्रक्रिया में उनके पैरों की उंगलियां तक टूटकर मुड़ जाती थी, जिसके बाद वो अपने पांव सिल्क से बने छोटे छोटे जूतों में डालकर हरदम सुंदर दिखाई देती। मतलब कि उस दौर में चीन के मर्द शायद इसे ही सुंदरता मानते थे। जिस सुंदरता को हासिल करने के लिए ये महिलाएं पूरी उम्र के लिए अपंग होने को तैयार थी। बता दें, इस फैशन की शिकार कुछ महिलाएं आज भी चीन में जीवित हैं, जिन्हें चलते हुए देखकर बेशक आपके पैरों में भी दर्द शुरू हो जाएगा। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। फैशन की दुनिया भी एक हद तक इसी नियम पर चलती है। कई बार लोग परिस्थितियों के अनुसार अपना फैशन ट्रेंड बदल लेते हैं। कुछ ऐसा ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ। उस समय दुनिया के ज्यादातर देश नायलॉन की कमी से जूझ रहे थे, क्योंकि युद्ध के चलते हर देश नायलॉन की खपत सिर्फ अपने सैनिकों के काम आने वाली चीजों पर कर रहा था।
ऐसे में बेचारी वो महिलाएं काफी परेशान थी जिन्हें फैशन के लिए अपनी ड्रेस के नीचे पैंटी होज पहननी थी। जब नायलॉन की कमी की वजह से उन्हें बाजार में पैंटी होज नहीं मिली तो एक नया ही फैशन चल पड़ा। इन महिलाओं और लड़कियों ने अपने टांगों पर पैंटी होज जैसी चित्रकारी करवानी शुरू कर दी। अगर आप ऐतिहासिक चीन की महिलाओं को देखेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर उनके अजीबोगरीब कपड़ों पर पड़ेगी। हालांकि उनके कपड़ों के अलावा जो चीज आपको सबसे अजीब लगेगी वो है उनके नाखून। वैसे लंबे नाखूनों का फैशन तो आज भी है, लेकिन उस दौर में चीन की अमीर महिलाएं अपने नाखूनों को ताउम्र बिना काटे लंबे होने देती थी। दरअसल ये लंबे नाखून एक प्रकार से उनकी अमीरी और प्रतिष्ठा के प्रतीक माने जाते थे, क्योंकि गरीब महिलाओं को घर का मेहनत मजदूरी का काम करना पड़ता था। ऐसे में वो अपने नाखून नहीं बढ़ा सकती थी। यानी कि अगर आपके लंबे नाखून हैं तो लोग आपको देखकर ही समझ जाएंगे कि आप एक अमीर घराने से हैं। ऐसी वजह से उस समय अमीरियत में बावली हो चुकी ज्यादातर चाइनीज महिलाओं के नाखून 10 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक लंबे पाए जाते थे। लॉन्ग हॉर्न मियाओ में रहने वाली एक छोटी सी आदिवासी जनजाति की महिलाएं अपने सिर पर तकरीबन 6 किलो के बालों का पहाड़ लिए घूमती हैं, ताकि वो अपने लोगों के बीच खूबसूरत दिख सकें। हालांकि बालों का यह पहाड़ उनके खुद के सिर की खेती नहीं होती, बल्कि ये बाल उनके पूर्वजों के होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने बाल अपनी बच्चियों को देते हैं, जिन्हें बांधने के लिए लकड़ी की डंडी के साथ ऊन का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर ये सिर पर बालों से बने सींग की तरह दिखने लगता है। पुराने दौर में वहां की महिलाओं को हर दिन इसी तरह से रहना पड़ता था, लेकिन अब जवान महिलाएं और लड़कियां इन्हें सिर्फ विशेष अवसरों पर पहनती है। म्यांमार की पदोंग महिलाएं सदियों से एक अजीब फैशन ट्रेंड को फॉलो कर रही है, और ये फैशन है लंबी गर्दन का। बचपन से ही इनको कंधों से सटा हुआ एक ऐसा नेकलेस पहनाया जाता है जो कि समय के साथ गर्दन को काफी हद तक लंबा कर देता है। अब इस बात को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि लंबी गर्दन होना आखिर फैशन कैसे हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने दौर में शेर जैसे शिकारी जानवरों से गर्दन का बचाव करने के लिए इस प्रकार के नेकलेस का उपयोग शुरू हुआ था। वहीं कुछ की माने तो कबीले में अपहरणकर्ताओं के डर से महिलाओं ने अपनी गर्दन को लंबा करना शुरू किया था, ताकि खतरे को वो दूर से ही देख सकें। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, इतना तो जाहिर है कि इसकी वजह से गर्दन की हड्डियों और मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद ये महिलाएं इस अनोखे फैशन को आज भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे इंसानी इतिहास के कुछ सबसे अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड्स। इनमें आपको सबसे अजीब कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।